नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। स्वागत आपका आपके अपने कार्यक्रम प्रॉपर्टी गुरु में। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने प्रोग्राम के जरिए हम आपको प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में वो सभी बातें बताएं जिनसे आपको प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी हो। आज प्रॉपर्टी गुरु में हम आपको बताएंगे कि आप किराएदार के से मकान कैसे खाली करवा सकते हैं, खाली करवाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस पर हम हमारे एक्सपर्ट के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी गुरु में आज हमारे दो एक्सपर्ट हैं, प्रदीप मिश्र और लीगल एक्सपर्ट हैं अमित मिश्र। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और कोई भी सवाल अगर आप हमारे दोनों एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन मिला सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 6645001 और 6645001। दिल्ली के बाहर से फ़ोन करने वाले दर्शक दिल्ली का एसटीडी कोड 011 ज़रूर मिलाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर्टी किराए पर देने से पहले आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये हम विस्तार से आपको बताएंगे। जल्दबाजी में और आंख मूंद कर किया गया फैसला आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए मकान मालिक क्या करें और क्या न करें। किराएदार के मकान खाली नहीं करने पर क्या करें? बैकग्राउंड चेकिंग। संभावित किराएदार के साथ पेपर वर्क से पहले उसका रिकॉर्ड जरूर पता करें। आप किराएदार से रेफरेंस सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं या फिर पुराने मकान मालिक से उसके बारे में पूछ सकते हैं। किराएदार का परमानेंट एड्रेस पता करना ना भूलें, क्योंकि किसी अनहोनी की सूरत में किराएदार का पता लगाने में ये मददगार साबित हो सकता है। ऑफिस एड्रेस भी चेक करना ना भूलें। पुलिस वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड चेकिंग ही काफी नहीं होती, आपको पुलिस से इसके लिए बाकायदा अनुमति लेनी पड़ती है। दरअसल स्थानीय पुलिस स्टेशन में किराएदार का वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करना आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है। मकान मालिक को पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर इसके साथ किराएदार की फोटो और पैन कार्ड, लीज एग्रीमेंट जैसे डॉक्यूमेंट थाने में जमा करने होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी 11 महीने या इससे ज्यादा के लिए किराए पर दे रहे हैं तो लीज एग्रीमेंट कराना जरूरी है। मकान खाली कराने की शर्तें। अगर किराएदार ने लीज एग्रीमेंट का पीरियड पूरा कर लिया है तो मकान मालिक घर खाली करने को कह सकता है। रेंट नहीं देने और प्रॉपर्टी पर दूसरी इलीगल एक्टिविटी की सूरत में भी आप किराएदार से घर खाली करने को कह सकते हैं। अगर किराएदार ने अपने मकान का एक हिस्सा आपकी अनुमति के बगैर किसी और को दे दिया है तो भी आप मकान खाली करने को कह सकते हैं। हालांकि तमाम सावधानी के बावजूद कभी कभी बदमाश किराएदार के चक्कर में फंस जाते हैं और मामला कानूनी लड़ाई में बदल जाता है। अब ऐसी हालत में मकान मालिक क्या करे? राज्य के संबंधित अथॉरिटी का दरवाजा खटखटाएं। रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत हर राज्य सरकार ने अपनी सीमाओं के भीतर किराए की प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए अथॉरिटी बना रखी है, लिहाजा मकान मालिक इस संस्था का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अथॉरिटी दोनों पार्टियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुनाता है। इसमें 5 से 6 महीने का वक्त लगता है। हालांकि इस मामले में पुलिस की मदद लेना मुमकिन नहीं होगा। पुलिस तभी दखल दे सकती है जब किराएदार गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है। अगर किराएदार मकान खाली कर रहा है तो ये पुलिस का अधिकार क्षेत्र नहीं है। सिविल कोर्ट में जाने का ऑप्शन। अगर राज्य के संबंधित अथॉरिटी के फैसले से मकान मालिक या किराएदार दोनों में से कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो शहर के सिविल कोर्ट का रुख कर सकता है। इस लेवल पर चीजें दुरुस्त करने की कोई तय सीमा नहीं होती है। अंतिम फैसला होने से पहले मामला 1 साल या 2 साल तक भी लटक सकता है। अगर यहाँ भी संतुष्टि नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हालांकि मकान मालिक को इस मामले में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती से बचना चाहिए। किराएदार से जबरन मकान खाली करवाना गैर कानूनी है। सौरभ शर्मा, हरियाणा न्यूज। अमित जी, आज हम एक्चुअली मकान मालिकों को ध्यान में रख करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मकान मालिकों के हितों की कैसे रक्षा हो। बड़ी कड़ी मेहनत की जो कमाई लगा करके एक आदमी मकान बनाता है, किराए पर देता है और उसके बाद किराएदार आंखें तरेरने लगता है, खाली नहीं करता है, बड़ा दुख होता है।
और जब किराएदार घर लेने के लिए आता है तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है, जब खाली करने के लिए कहा जाता है तो फिर वो अपने असली रंग पर आ जाता है, तो लीज़ एग्रीमेंट भी किया जाता है। पहली बात तो आप ये बताइए कि लीज़ एग्रीमेंट केवल 11 महीने के लिए क्यों होता है, लंबा क्यों नहीं होता? और लीज़ एग्रीमेंट मान लो 11 महीने ख़त्म होने के बाद एक्सटेंड नहीं होता है, किराएदार एक्सटेंड नहीं करना चाहता और उसके बाद वो खाली भी नहीं करना चाहता, तो मकान मालिक के पास क्या रेमेडी है? सबसे पहला सवाल जो आपका है, उस सवाल में सबसे पहले जो मकान मालिक को किसी भी किराएदार को किराए पे देने से पहले उसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अपने कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसे रजिस्टर्ड कराएं, जिसे लीज डीड नॉर्मली हम कहते हैं। लीज डीड दरअसल रेंट एग्रीमेंट की तरह होता है, जो ये भी पॉपुलर है। दरअसल जो लीगल डॉक्यूमेंट की टर्म्स की बात करें तो लीज डीड ही बोला जाएगा किसी भी एग्रीमेंट को बिटवीन किराएदार और इस तरह के किसी भी तरह के चीज़ों को रेंट आउट करने के लिए। एक लेसर होता है, एक लेसी होता है। जी, लेसर होता है, लेसर मकान मालिक को बोलते हैं और लेसी जो है जिसे दिया जाता है किराए पे उस किराएदार को बोलते हैं। तो उसमें जो मकान मालिक होता है उन्हें चाहिए क्या कि किसी जो अपने किराएदार जिन्हें रखना है उनके बारे में सारा डिटेल्स एक एग्रीमेंट के तहत जिसे लीज डीड कहेंगे उसमें उसको सांचे में डाल लें और उस पर क्लियर टर्म्स हो कि हमें आपसे इतने महीने में इतने पैसे लेने हैं, आपसे हमने इतने पैसे सिक्योरिटी लिए हैं, आपको इतने दिनों में खाली किया जाएगा। और उसमें एक हमारे लीगल टर्म से बोलते हैं उसे डिफ़ॉल्ट क्लॉज, डिफ़ॉल्ट क्लॉज को आप पूरी तरह से अच्छे तरह से लिखें जिससे कि आपको जब इविक्शन की ज़रूरत पड़ी, खाली कराने की ज़रूरत पड़ी तो आप जो है किराएदार से मकान खाली करवा सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट क्लॉज में जो मेज़र चीज़ें आनी चाहिए वो ये हैं क्या कि आप यदि एक महीने से ज़्यादा दिन तक किराए नहीं दोगे तो आपको मैं खाली करा सकता हूँ। कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स यदि होता है तो यू आर लाइबल टू बी वैकेटेड एंड यू आर बिकम अनऑथराइज ऑक्यूपेंट। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा सवाल जोशी जी, एक बार आप जी, मैंने कहा था कि 11 महीने के लिए लीज एग्रीमेंट क्यों होता है? लीज डीड की लिमिटेशंस नहीं है, आप चाहें तो उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नॉर्मली स्टैम्प पेपर पे जो आमतौर पे लोग करते हैं, 50 रुपये का स्टैम्प पेपर लिया, दैट इज़ वैलिड इन अदर सेंस। हाउएवर हमें ये चाहिए कि हर एक चीज़ें रजिस्टर्ड हों, तो रजिस्टर्ड होंगी तो सर्टन परसेंटेज है कि इतने परसेंटेज आपने इतने रेंट ले रहे हो, ईयर वाइज इतने रेंट आ रहे हैं, उसके सर्टन परसेंटेज मेरे ख्याल से दिल्ली में 3% है स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है, उसके बाद वो रजिस्टर्ड होता है लीज डीड। लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं कराते वो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे करते हैं आमतौर पे, तो उसमें वो 11 महीने तक के लिए ही वैलिड होता है, इसलिए ये एक कंसेप्शन सा बना हुआ है कि 11 महीने तक का होता है। अदरवाइज अगर मान लो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जी, सिर्फ 11 महीने के लिए आपने एक एग्रीमेंट कर लिया 50 रुपये के स्टैम्प पेपर जी जी, तो उसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है? लीगल सैंक्टिटी है, दरअसल कोई भी एविडेंस एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं भी होता है तो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे हम ट्रीट करते हैं। जब दो पार्टी के बीच में कोई भी चीज सबूत की बात होती है अदालत में, क्योंकि अदालत तो हर चीज़ों को सबूत के तौर पे तौलती है, जब सबूत की बात होती है तो आपके पास सबूत के तौर पे यही होता है कि हमने साहब इनसे ये एग्रीमेंट करा था और इसमें ये डिफ़ॉल्ट क्लॉज था, इसके बावजूद भी ये खाली नहीं कर रहे। डिफॉल्ट क्लॉज बहुत सारे होते हैं, उसमें छोटी छोटी बातें भी होती हैं, एक सेट परफॉर्मा होता है लीज एग्रीमेंट का, ये सेट परफॉर्मा होता है। लेकिन अगर उसने खाली नहीं किया जी, तो मकान मालिक के पास सबसे पहली जो रिमेडी होती है वो सिविल कोर्ट जाएगा जी। और सिविल कोर्ट में जी, सबसे एक मिनट में थोड़ा आपको, इससे पहले आपको नोटिस देना होता है कि डिफॉल्ट क्लॉज में जो, मैं थोड़ा सा डिफॉल्ट क्लॉज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफॉल्ट क्लॉज में नॉर्मली आता है कि आप जो है किराए कितने दिन के बाद नहीं दोगे तो खाली कर दूंगा। दूसरा होता है कि आपकी जो है आप इसमें अल्टरेशन नहीं करेंगे, कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं करेंगे विदाउट माय परमिशन और बिना मकान मालिक के परमिशन का, रिटन परमिशन के बगैर यदि कोई कार्य किया गया हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ऐसे कई सारे जजमेंट भी इस पे आए। मैं इस बात पर आता हूँ क्योंकि मैंने बताया कि डिफॉल्ट क्लॉज भी एक तरह से सेट प्रोफॉर्मा होता है और सारी चीजें पहले से, तो आप कोई भी लीज एग्रीमेंट देख लीजिए सबकी भाषा एक जैसी होती है, सिर्फ नाम बदलते हैं उसमें, किसी भी कोई एक आध क्लॉज कम या ज्यादा उसमें हो सकता है, वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, मकान मालिक और किराएदार की अंडरस्टैंडिंग पर। अभी हम एक कॉल ले लेते हैं, सिरसा से नरेश लाइन पर हैं। नरेश जी बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? नरेश जी का फोन कट गया। नरेश जी आप दोबारा मिलाइए, माफ़ी चाहेंगे कि थोड़ी सी देर से हम आपकी कॉल ले सके, क्योंकि जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाह रहे थे वो काफ़ी रोचक मुद्दा था
और हम बताना चाह रहे थे कि मकान मालिक और किराएदार के बीच किस तरह से एग्रीमेंट होना चाहिए, और अगर वो एग्रीमेंट का पालन किराएदार नहीं करता है तो उसके पास क्या क्या रिमेडी हैं। हम आपको बता दें, आज हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हैं अमित मिश्रा जी। कोई भी सवाल, कानूनी सवाल अगर आप पूछना चाहें तो आप हमें फ़ोन मिला सकते हैं और कानूनी सलाह ले सकते हैं घर बैठे। नरेश जी, नहीं अमित जी, जी उसमें जैसे मकान में तोड़फोड़ या कुछ चेंजेज है वो बिना मकान मालिक के उसके नहीं की जाएंगी, एक सर्टिन तिथि तय की जाती है कि इस तारीख तक आप किराया अगर नहीं देंगे तो आप डिफॉल्टर माने जाएंगे, दो महीने तक आप नहीं देंगे तो इल्लीगल ऑक्यूपेंट माने जाएंगे, और इस तरह के बहुत सारे क्लॉजेज हैं। लेकिन अगर सारे क्लॉजेज को डिफॉल्ट कर देता है और फिर भी मकान खाली नहीं करता, उस स्थिति में जी मकान मालिक के पास क्या रेमेडी है? जी, उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो उनको नोटिस दें जी, और नोटिस देने के बाद जो है एक महीने का उनको वक्त दिया जाता है, और एक महीने का वक्त दिया जाता है एज पर एक्ट है, ये देना कंपलसरी है। और नोटिस देने के बाद यदि वो खाली नहीं करते तो आप इसके बाद कोर्ट में जा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, चाहे वो दिल्ली हो या हरियाणा हो। ये बात किराएदार बहुत अच्छी तरह से जानता है कि सिविल कोर्ट में अगर मामला चला गया जी तो 15-20-30 साल अपने आराम से लड़ते रहो, कभी आप खुद नहीं पहुंचे, कभी कोई और नहीं पहुंचा, कभी आपने आगे की डेट ले ली किसी और बहाने से, क्योंकि सिविल कोर्ट में मामले बहुत जल्दी सेटल नहीं होते हैं। मैंने तो 20-20-30 साल लोगों को केस लड़ते देखा है, एक पीढ़ी ख़त्म हो जाती है, दूसरी पीढ़ी केस लड़ रही होती है, तो बहुत सारे लोग तो सिविल कोर्ट में जाना ही नहीं चाहते। जी दरअसल जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में थोड़ी रेंट कंट्रोल एक्ट के साथ एक लिमिटेशंस है कि उसमें जो है 3500 तक की ही केसेस आते हैं, तो ये काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है कि 200, 100, 500 में दिया जाता है, जिसमें रेंट का एक्सटेंशन जो है, रेंट इंक्रीज करने का टाइम 3 ईयर होता है। आफ्टर 3 ईयर 10% आप इंक्रीज कर सकते हो, तो 100 रुपये में 10% यदि कर भी लोगे तो 110 हो जाएगा। तो इस वजह से आप जो है रेंट कंट्रोल एक्ट के ही अंदर केस डालने के लिए मजबूर रहते हो, और यदि आपका रेंट जो है 3500 से ज़्यादा होता है तो आप रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आते, दिल्ली के अंदर हो तो आप रेंट कंट्रोल की वजह से की जगह पे आप सिविल सूट डालेंगे, जो कि दैट इज़ कम्प्लीटली इफेक्टिव, और उसमें जो है 1.5 से 2 साल दैट इज़ मैक्सिमम टाइम दिल्ली में क्लियर हो जाता है। जहाँ तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा में आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग 10 ईयर के बाद जो प्रोसेस होती है उसमें आप जाएंगे रेंट कंट्रोल एक्ट के पास, अदरवाइज विद इन 10 ईयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर न्यू बिल्डिंग जिसमें रेंट आउट किया हो आपने, तो वो आप सिविल सूट में जाएंगे, वो इमिडिएटली खाली होगा। मैं थोड़ा कोर्ट की मजबूरी समझता हूँ, काफ़ी मैटर्स होते हैं वहाँ पे, लेकिन यदि पार्टीज जो एग्रीव पार्टी हैं जैसे लैंडलॉर्ड हैं या फिटिनेंट है, दोनों में से कोई भी सिंसियर हो अपने एडवोकेट्स के साथ यदि सिंसियरली जाए तो मैटर आज के डेट में ज़्यादा दिन नहीं टिकती, चाहे वो कोई भी सही स्टेट हो। दिल्ली की जहाँ तक बात है, यहाँ पे काफ़ी सारे मैटर्स हैं जो आज की डेट में 2 साल के अंदर अंदर निपट जा रहे हैं। इन बिटवीन एक और रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल होता है, वो है मीडिएशन का, जिसमें आप मीडिएशन करके भी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपस में दोनों पैचअप कर लें, कुछ बीच का मार्ग निकाल के आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोर्ट के ही वेट करें, वो कोर्ट में आप उस एग्रीमेंट को, दोनों में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई इविक्शंस के लिए, वो भी डाल के आप केस विड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और आपको बता दें कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, प्रदीप मिश्र प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके सवालों का जवाब देंगे और अमित मिश्र लीगल एक्सपर्ट हैं। कोई भी कानूनी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट अमित मिश्र से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 6645007, 6645008। मिलते हैं ब्रेक के बाद।